मन काफी दुखी होता है ऐसे दृश्यों को देख करके। अब अलग बात है कि जेडीयू में रहकर हमने बहुत प्रयास किया, अब नीतीश कुमार जी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन आज जो उनकी स्थिति हो गई है, अब नीतीश कुमार जी बिहार के इतने लंबे काल सबसे ज़्यादा दिनों के मुख्यमंत्री, और उनको अपनी मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य के इंतजार में, किसी सरकारी कार्यक्रम में 2 घंटा 2.5 घंटा इंतजार करना पड़े, यह देखकर अंदर से मन बहुत दुखी होता है। क्या स्थिति हो गई नीतीश कुमार जी की, अब 2.5 घंटा 2 घंटा नीतीश जी इंतजार करें अपनी मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य के लिए, और वह भी कोई बाहर से आ रहा हो, फ्लाइट में देरी हो गई, कोई और कारण हो गया बड़ा, वह नहीं पटना में रहते हुए अपने घर से निकलकर 4 कदम की दूरी पर 10 मिनट में जाना है, और वहाँ मुख्यमंत्री जी को इंतजार करना पड़ा। अब उनकी ऐसी व्यवस्था देखकर हम लोगों को भी अंदर से बड़ी परेशानी होती है। तो अब जो स्थिति बन गई है, मुख्यमंत्री जी आज नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं तब उनकी यह दुर्गति राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने बना दी है, और मुख्यमंत्री की यह दुर्गति है तो जनता दल के लोगों को, जनता दल यूनाइटेड के लोगों को सोचना चाहिए। आज नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, उनकी यह दुर्गति राष्ट्रीय जनता दल के लोग बना रहे हैं, पूरे तौर पे अभी सत्ता में नहीं आए हैं, तब कल यदि सत्ता में आरजेडी के लोग आ जाएंगे तो बिहार भर में जो नीतीश कुमार के लोग हैं उनकी तब क्या दुर्गति होगी, यह सोचकर भी अंदर से दिल ही लूटता है। अभी सत्ता में पूरे तौर पे नहीं है मुख्यमंत्री नीतीश जी, और तब मुख्यमंत्री की यह स्थिति, और कल पूरे तौर पे सत्ता में आने के बाद नीतीश जी के लोग जो बिहार भर में है उनकी क्या दुर्गति राष्ट्रीय जनता दल के लोग बनाएंगे। या ठीक है कि हम लोग ऐसी स्थिति नहीं आने दें, नहीं आने दें, इसलिए हम लोगों ने इस रूप में संकल्प लिया है। तो इन्हीं संकल्पों के साथ हम जा रहे लोगों के बीच में, लोगों को आगाह करने कि वैसी स्थिति नहीं आने देने का काम करना है। तो मुख्य रूप से आज यात्रा के माध्यम से जो हम जाएंगे लोगों को यही बताने के लिए कि जो दुर्गति आगे आने वाले दिनों में हो सकती है उससे बचने का रास्ता है। आइए आप लोग साथ दीजिए, सहयोग कीजिए, अपने महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, सर झुकाते हुए, यही आम लोगों से भी हम आग्रह करने वाले हैं। चलिए देखिए हम जो बोल रहे थे, अब हमारी बातों का असर किस रूप में होता है, जिस दिन हमने पार्टी अनाउंस किया उसी दिन जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा नीतीश कुमार जी की बातों से ठीक उलट। नीतीश जी ने पहले ही घोषणा कर दी है कि अगला तेजस्वी यादव, और ललन सिंह जी ने कह दिया, आप लोगों के सामने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, हमने नहीं कहा है, और फिर कल किस तरह से उनको अपना वापिस लेना पड़ा, ललन सिंह जी को अपनी बात वापिस लेनी पड़ी, और उनको भी कहना पड़ा कि नहीं नहीं नीतीश जी ने जो किया है कहा है वही सच है, और उधर से फिर तलवार निकाल ली आरजेडी के लोगों ने, उन लोगों ने कहा कि कैसे हो सकता है, और उसी का परिणाम था ललन सिंह जी ने जो कहा मुख्यमंत्री जी के बयान से उलट, उसी का परिणाम था कि माननीय मुख्यमंत्री जी को 2.5 घंटा तक इंतजार करना पड़ा, उसी का असर था। तो इसलिए हम जो कुछ भी कहते रहे हैं वह तो अब साफ साफ दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है। लोग भले बातों में न स्वीकार करें या आज स्वीकार करके कल वापिस हो जाएं, अलग बात है, लेकिन डील तो पक्की है। डील अगर नहीं पक्की है तो बताएं ललन सिंह जी उनको क्यों वापिस लेना पड़ा स्टेटमेंट, उनको क्यों कहना पड़ा नीतीश जी ने जो कहा वही सही है, किस परिस्थिति में बयान दिए और क्यों वापिस लेना पड़ा बताएं। और फिर आरजेडी के लोग, आरजेडी के कई लोग विधायक लोग, अब उन लोगों ने कहा कि नहीं नहीं अब तो होली के बाद इनको करना है, जाना है इनको, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनना है। तो यह बात अब इस रूप में आ रही है। और दूसरा कि मुख्यमंत्री जी के बारे में राष्ट्रीय जनता दल के लोग किस रूप में पहले बोल रहे थे, हमने कहा एक विधायक, माननीय विधायक के बारे में जब उन्होंने क्या क्या मुख्यमंत्री जी से कहा, और दिखावे के लिए बाद में मेरी बातों का इतना असर हुआ कि दिखावे के लिए राष्ट्रीय जनता दल ने 100 नोटिस जारी किया, लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए अभी भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो मुख्यमंत्री जी जो स्थिति आज झेल रहे हैं, अब जनता दल यूनाइटेड का अस्तित्व समाप्त हो गया। जनता दल यूनाइटेड अगर वास्तव में अस्तित्व में होता तो ललन सिंह भिड़ जाते, कहते कि नहीं जो हम कह रहे हैं वही सही है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, लेकिन उनको वापिस लेना पड़ा। और राष्ट्रीय और जनता दल यूनाइटेड यदि अस्तित्व में होता तो मुख्यमंत्री जी को 2.5 घंटा इंतजार नहीं करना पड़ता अपनी मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य के आने के लिए,
तो कुल मिला जुलाकर जनता दल यूनाइटेड ने अपना अस्तित्व खो दिया है, जो रोज अब दिख रहा है। और यही बात हम लोगों से कह रहे थे और हम जो कह रहे थे वही सच है। बहुत धन्यवाद भैया। तो अपने लोगों को ना समझाएं, देखिए यही तो उन लोगों की रणनीति है, एक आदमी धरो धरो और एक आदमी मारो मारो, हम पकड़ेंगे छुड़ाएंगे और तुम मारना, ताकि लोगों को लगे कि हम नहीं कुछ कर रहे हैं और उधर से डंडा भी चलवाओ। उन्हीं के लोग डंडा चला रहे हैं ना, जो विधायक कल परसों स्टेटमेंट दिए हैं कि होली के बाद उनको ने पूछे, तो यही है गांव में होता है, एक धरो धरो और दूसरा मारो मारो, वही स्थिति इन लोगों ने नीतीश कुमार जी की बना दी है, एक धरो धरो और एक मारो मारो। क्या हुआ? अरे दो दो आदमी एक बार बोलिएगा तो कैसे आरोप हो रहा है कि आखिर बीजेपी के साथ हो चुकी है, इसलिए आप नीतीश कुमार और महागठबंधन के खिलाफ बोल रहे हैं। हम जो बात बोल रहे हैं उस बात का जवाब देना। उपेंद्र कुशवाहा की डील कहाँ हुई वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन लेकिन हम जो बोल रहे हैं इसका जवाब लोग देने, ललन जी जवाब दे, ये स्टेटमेंट क्यों उनको देना पड़ा और देकर क्यों वापिस होना पड़ा, आरजेडी के लोग क्यों कह रहे हैं कि होली के बाद, इसका जवाब लोग देना। जनता दल यूनाइटेड ने अस्तित्व आखिर ढाई घंटा तक मुख्यमंत्री को इंतजार इतिहास में कभी हुआ है क्या कि कोई मंत्री उनका 10 कदम की दूरी पर आ रहा हो और ढाई घंटा मुख्यमंत्री जी को इंतजार करना पड़े, इसका जवाब लोगों को देना चाहिए ना। तो इसका जवाब तो कोई है नहीं, है जवाब तो दे। सर बात नहीं कर रहा, आपने चाहे किसान और चाहे नौजवान का ये नारा दिया है, लाल बहादुर शास्त्री ने चाहे जवान चाहे किसान का नारा दिया था। चलिए ये सब बताएंगे, पार्टी का एजेंडा बाद में बताएंगे, पार्टी का एजेंडा बताएंगे। नहीं कोई बातचीत, संजय जायसवाल जी से बातचीत हमने कल भी बताया था आपको, बिहार भर से बहुत सारे लोगों ने मुझको टेलीफोन पर शुभकामना दी, बधाई दी, मिलकर बहुत सारे लोगों ने अलग अलग माध्यम से जब हमने पार्टी का गठन किया, उसी क्रम में संजय जायसवाल जी ने मिलकर मुझको बधाई दी, उनको भी अच्छा लगा मेरा स्टेप, तो मिलकर उन्होंने बधाई दी। दूसरे लोगों ने, आप में से भी कई लोगों ने शुभकामना दिया कि अच्छा काम किया, उसी तरह से उन्होंने भी बधाई दी, लेकिन चूंकि घर पर आकर बधाई दी इसलिए हम भी उनके प्रति आभार हमने भी प्रकट की है, बस इतना ही मामला। नहीं भैया वो तो भारतीय जनता पार्टी के लिए, उसमें कैसे शामिल हो, आप कैसे क्यों उसमें कैसे शामिल हो? देखिए अब इसका जवाब तो मुख्यमंत्री जी के दिमाग में क्या चल रहा है वही बता पाएंगे, हम नहीं बता पाएंगे। क्या बीजेपी से वही 14 वाला फॉर्मूला पे डील होना है क्या 3 सीट पे? जरूरत होगी तो आपको बीच में रख लेंगे। चलिए, बीजेपी के किसी बड़े नेतृत्व से बात हुई है जब से आपने ये कदम उठाया है अलग पार्टी बनाने का? कोई फोन आया है, कोई मैसेज आया है? आपसे बात हुई है, खबर ये भी है जब से हमने पार्टी बनाई है संजय जायसवाल जी के अलावा भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता से मेरी बात नहीं हुई। पार्टी छोड़ने से पहले हुई थी? अभी जब हम मंत्री थे उस समय प्रधानमंत्री से बात हुई थी, अभी कोई बात है? अभी इसका क्या मतलब है, हम मंत्री थे उनके साथ तो कहिए कि प्रधानमंत्री से बात हुई थी। भाई अभी कोई योजना वैसी नहीं, अभी मिलने का कोई प्रोग्राम वैसा नहीं है, आप लोग विश्वास क्यों नहीं करते, हम बोल रहे तो सही बोल रहे हैं। और सिक्योरिटी बिहार सरकार से हमको वाई प्लस सिक्योरिटी मिली हुई है भाई, वाई प्लस मिली हुई है, अब मिलने वाली क्या है, कोई नया मिलना है क्या? अच्छा ताजपोशी की औपचारिकता ही बची हुई है ना, सारा दृश्य अगर देख लीजिए तो सिर्फ औपचारिकता बची हुई है ना, बाकी तो किस रूप में डिप्टी सीएम एक्ट कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं मंत्री परिषद के विस्तार के बारे में सवाल पूछना हो तो डिप्टी सीएम निर्णय लेंगे, मुख्यमंत्री जी को ढाई घंटा बैठकर इंतजार करना पड़ता है, तो अब वो लेना न लेना वो औपचारिकता है ना, अब तो उसी रूप में एक्शन हो रहा है। चलिए।